आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। शंकर हत्याकांड का संभल पुलिस ने किया खुलासा। संभल के हातिम सराय रेलवे स्टेशन के पास रेलवे पटरी के किनारे मृतक शंकर का शव मिला था, जिसकी हत्या के संबंध में थाना नखासा पर मुकदमा हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। सोमवार को शंकर लाल उपरोक्त की हत्या करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए हत्या का सफल अनावरण किया गया है, जिसके संबंध में आज सोमवार को अपर पुलिस अधीक्षक आलोक जायसवाल संभल के कार्यालय पर प्रेस कर अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने संभल स्थित कार्यालय पर सफल अनावरण किया गया। गिरफ्तार हत्यारोपी को जेल भेज दिया गया है। धन्यवाद। हत्या का खुलासा किया गया है। ये 27 जुलाई को थाना नखासा के शक्ति चौकी क्षेत्र में हातिम सराय रेलवे स्टेशन है, उसके पास रेलवे पटरी पे एक व्यक्ति की बॉडी पाई गई मृत अवस्था में, जिसकी पहचान शंकर ब्रह्मानंद बोधी सराय वो अज्ञात थी। उसका उस समय हत्याकामा करके जिनके लिए दिया गया था, बाद में उसकी पहचान हुई, फिर इसमें मुकदमा कायम हुआ। इसमें नखासा पुलिस द्वारा जो है आज अनावरण करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम विनीत पुत्र हरकेश जाटो ग्राम महमूदपुर रिमा है, यहाँ रहने वाला था। मृतक और इसके मारने वाले दोनों दोस्त थे, साथ में काम करते थे, इनका एक दूसरे के आना जाना भी था। इसकी पत्नी से आसनाई के चक्कर में इसने ये घटना को अंजाम दिया था, जिसकी आज गिरफ्तारी करके नखासा पुलिस द्वारा इसको जेल भेजा जा रहा है। कार्रवाई की जा रही है। क्या बरामद हुआ इससे? उसे कपड़े वगैरह थे जो बरामद हुए उसके। थैंक यू।